बिग बॉस OTT सीजन 2 हर तरफ छाया हुआ है। इस शो के कंटेस्टेंट्स ने शो शुरू होते ही दर्शकों के बीच अपनी जगह बना ली है। ये शो सिर्फ 6 हफ्ते का ही है और इसीलिए अब तक 3 सदस्य जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। इसमें पलक पुरस्वानी भी हैं जो कि बाहर आने के बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड अविनाश सचदेवा पर बरसी हैं। जी हाँ, उन्होंने खुलासा किया है कि अविनाश ने उन्हें दो बार रिश्ते में धोखा दिया था जबकि उनका रोका हो चुका था और शादी होने वाली थी। अविनाश इस समय बिग बॉस OTT 2 में ही है। दोस्तों, पलक पुरस्वानी एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उसने मुझे फरवरी में चीट किया था जबकि जनवरी में हमारा रोका हो चुका था। तब मैं ऐसी हो गई थी कि मैं अगले 2 साल तक इस रिश्ते को शादी में बदलते नहीं देख पा रही हूँ। मैं इस रिलेशनशिप को टाइम दूंगी क्योंकि मैं 4 साल तक प्यार में थी और जाहिर सी बात है कि इस रिश्ते को आसानी से खत्म नहीं कर सकती थी। साथ ही पलक पुरस्वानी ये भी कहती हैं कि उनके पेरेंट्स इन्वॉल्व हो चुके थे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा चलो ठीक है, एक चांस किसी को देकर हम भी देख सकते हैं और मैंने कहा कि 6 महीने हम देखेंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं और फिर हम शादी के बारे में बात करेंगे, नहीं तो अभी तुम भूल जाओ शादी के बारे में। साथ ही पलक पुरस्वानी आगे कहती हैं, 24 अक्टूबर को मैं गोवा में थी, मेरे साथ जिया और मेरी दोस्त सिमरन भी थी। दूसरी बार फिर ऐसा ही हुआ, मेरे पास कॉल आया और मैं ऐसी हो गई कि ये कुछ ऐसा है जो मुझे बहुत दुख दे रहा है। मैं वापस आई और सबसे पहले मैंने उसके और मेरे पेरेंट्स से बात की। पहली घटना में मैंने उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताया, उनसे सब छिपा लिया और मैंने सोचा कि उसके माँ बाप उसके बारे में जो भी सोच रखते हैं या जो भी सोचते हैं ठीक है छोड़ो। लेकिन दूसरी बार मैंने मेरे और उसके पेरेंट्स से बात की, मैंने पूछा कि क्यों और उस आदमी ने मुझे बहुत ही आसानी से कह दिया अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। पलक ने आगे कहा कि मैंने बोला कि अगर तुम प्यार नहीं करते थे तो उसे टैकल करने के और भी तरीके थे, तुम मेरे पास आते और इस बारे में बात करते, क्या तुमने मुझसे कहा कि अब ये वर्क नहीं कर रहा है, मैंने तुम्हें मौका दिया, मुझे प्यार से बाहर होना चाहिए था। तुम कैसे कह सकते हो कि प्यार नहीं है, मैंने तुम्हें ऐसी कौन सी वजह दी कि तुम प्यार से बाहर हो गए और तुम चीटिंग कर रहे हो और आसानी से कह भी रहे हो कि अब प्यार नहीं है। तुम मुझे बताओ, ब्रेकअप कर लो, मेरे मुंह पर आकर कहो, कम से कम मैं तुम्हें ऐसे तो याद रखती कि तुमने इतनी हिम्मत की तुमने कि मेरे पास आए और कहा कि अब ये वर्क नहीं कर रहा। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।